हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भाई मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई थी मारुति के सर्विस सेंटर से, और उसमें दो तीन चीज़ें मैंने नहीं डलवाई थी सर्विस सेंटर से, जैसे कि एक तो डिस्क पैड हो गए और दूसरा ये वाइपर वगैरह, एक दो चीज़ें और थी। तो अभी अभी मैं डलवाने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में ब्रेक शू, और वो मैं डलवाऊँगा बाहर से किसी शॉप से पार्ट खरीद के, मारुति का जेन्युइन, और बाहर लोकल मैकेनिक से डलवाऊंगा। उसमें देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। मारुति के सर्विस सेंटर में मुझे इसका प्राइस बताया था 2200 रुपये, 2200 रुपये। तो अब मैं डलवाऊंगा ये बाहर लोकल मैकेनिक से और बाहर से ही खरीदूंगा, लेकिन पार्ट वो जो मैं खरीदूंगा ना, वो रहेगा मारुति का जेन्युइन, जो ब्रेक शू आते हैं वही लूंगा मैं, और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस होता है कॉस्टिंग में भी और डलवाने के स्टाइल में भी, कैसे कैसे क्या कुछ ये डलते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ब्रेक पैड मैंने ले लिए हैं, ये देखिए मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स हैं, और एमआरपी इसकी है 1710 रुपये की। ठीक है, अब ये डलवाता हूँ। डलवाने के बाद वो पूरे एमआरपी पे तो खैर नहीं लिया मैंने, और अभी डलवाता हूँ। डलवाने के बाद मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि कितने का लिया और डालने के कितने पैसे लगे। ये खड़ी मेरी गाड़ी, कितने के दिए ब्रेक शू पता है? 900 रुपये। 1000 कुछ तो होंगे। 900। अच्छा, डिस्काउंट दिलवाया हुआ तो है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो वो होते हैं इम्पोर्टेड और वो जो जेन्युइन वाले, क्या फ़र्क होता है इनमें? वो काले छोड़ दिए, काला छोड़ दिए। वो तो TVS वाले होते हैं ना, TVS के, मिंडा के, हाँ, और के नाम बॉस के हैं, कई तरह के ना उसमें, तो काले छोड़ते हैं। हाँ, तो इसमें भी ये मारुति वाले में भी दो क्वालिटी बता रहा है। कौन से? इसमें भी दो क्वालिटी बता रहा है, दो है? हाँ, एक 1500 के और एक ये 900 के। वो जैन बनाऊंगे फिर वो। तो ये जैन बन नहीं है? जैन बन है। फिर तो वही तो फर्क पूछ रहा हूँ मैं, क्या फर्क होता है? माल का फर्क होता है, जब माल कौन सा उसमें बढ़िया, इसमें तो बढ़िया कौन से वाले में होता है? बात कर रहे हैं बड़ी कंगू वाली किस में थे? स्कूटी पे रखे थे तूने? ये वाले कौन से हैं ये बता मुझे। मारुति की है, जेन्युइन वाले। तो 1500 और 900 में कैसे फर्क है? सुबह पता किए थे जब 1500-1550 के बता रहा था, अब मैं लेके आया, मैंने पैसे दिए इससे शिव वाले से, मारुति में पता करें उसमें तो ज्यादा गया, 1900 कुछ के है MGP में। तो मैंने पूछा भी, मैं कालिक वगैरह तो नहीं छोड़ेंगे? कह रहा नहीं, ये होते मारुति के ही है, बस इम्पोर्टेड होते हैं। वो कालिक छोड़ते हैं। हाँ, मारते हैं ना, नहीं जैसे चलते ना, इतने लाख वो चलते हैं। हाँ, वो चलते हैं, ये जल्दी जाते हैं अपने। ये कौन से वाले? ये मिंडा के बॉस के, इनके। हाँ, पहला पहला के ये इनके। अच्छा, ये जल्दी घिस जाते हैं। हाँ, जल्दी कालिक। ये वैसे पुराने वाले घिसे हुए हैं, दिखाइयो। अभी तो है, हल्का माल है, अभी तो माल है अभी इसमें। हाँ, तो फिर आवाज क्यों कर रहे हैं? पल्ली तार पर जा रहा हूँ ना, पल्ली तरफ का, एक तरफ का भी चला जाता है। हाँ, एक तरफ का। डिस्क तो ठीक है ना इसमें? ना, पल्ली ठीक है, घिसी तो नहीं है ये? ना ना, पल्ली वाली में पता चलेगा आवाज, फिर हाँ, उसमें आ रही थी ना। ब्रेक का पैडल मार लो भैया, हैं? ब्रेक का पैडल, ब्रेक का पैडल मारो। एक ये भाई हमारा छोटा उस्ताद, ये मुआयना करते हुए। नमू, ठीक हो रहा है काम? सही हो रहा है? बढ़िया, ठीक है।
भाई ये देखो ये ब्रेक शू ना कैसे पहचाने जाते हैं कि भाई ख़त्म हो चुके हैं या अभी इसमें लेदर बचा हुआ है। ये देखो ये दिखाता हूँ, ये पुराना वाला है जो अभी गाड़ी में से रिमूव किया है और ये है नया वाला। तो इसमें ना ये लाइन होती है बीच में, ये वाली लाइन इसकी बिल्कुल पूरी ख़त्म हो चुकी है। देखो ये फ्लैट हो चुका है। हाँ एक ये लोग परेशान करते रहते हैं बार बार, हट जा हट जा हट जा। तो ये देखो ये इसमें ना पूरी लाइन ख़त्म हो चुकी है, ये वाली ये पूरा गिर चुका है और ये नया वाला है इसमें लाइन है। तो ये लाइन जब तक चलती है ना, मतलब जब तक ओके रहती है ना, जब तक ये चलता है और ये पूरा फ्लैट होने के बाद ये समझ लो आपका ब्रेक शू गिर चुका है। तो ये होता है डिफरेंस। ये देखो ये भी नया है, इसमें लाइन है और अभी ये इधर वाला राइट साइड वाला भी खोल रहे हैं, राइट साइड वाला खोल के फिर पता चलेगा इसका कितना घिस चुका है कितना बाकी है। इस वाले में से ना थोड़ी सी आवाज़ आने लग गई थी राइट साइड वाले में से, तो इस वजह से थोड़ा मैं सोचा यार ब्रेक का मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ब्रेक होती है, अगर ब्रेक ही नहीं लगेगी तो भाई क्या फ़ायदा, जान है तो जहान है, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखते। अभी इसको निकाल के देखते हैं कितना बचा हुआ है इसका ब्रेक शू। ये लगे लगे में दिख जाता है कि भाई ख़त्म हो गए या नहीं, खोलने के बाद ही पता चलता है ना। तो सर्विस करवाई थी ना वहाँ पे, वो दिखा रहा खोल के, कह रहा देखो भैया घिस चुके हैं। मैं कहा ऐसे कैसे देखूं यार। जिस तो ये भी चुके हैं लाला, ये देखो लाइन इसकी भी पूरी खत्म हो रखी है। चलो भाई बढ़िया है, टाइम से ब्रेक शू चेंज करवा लेने चाहिए। ये खत्म हो गया बेटा, ब्रेक खत्म हो गई थी, आवाज आती थी ना टर टर की, है ना। हाँ आवाज आती थी ना इसमें से, अब नहीं आएगी, अब अच्छे से ब्रेक लगेगी। हाँ अब आवाज नहीं आएगी। ये क्या हुआ? क्या? ये। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी की आवाज थी वो तो। ऐसा आई थी आवाज। हाँ जी ब्रेक शू लग गए हैं, अब ये हो रहा है टायर फिट, इसके बाद एक बारी
ब्रेक दबा के थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और काम हमारा डन। ऐसे आई आवाज। अच्छा मारो ब्रेक, तुम यहीं खड़े रहो बेटा। हो गई, बंद कर दो, करो बंद करो। ओके मामला। हाँ जी, ब्रेक शू हमारे लग चुके हैं और आज ब्रेक को इसको डलवाए हुए ना मुझे हो चुके हैं 3 दिन। संडे को मैंने ब्रेक शू डलवाए थे और आज है वेडनेसडे, तो 3 दिन लगभग हो चुके हैं और मैं इनको यूज़ भी कर चुका हूँ। ब्रेक बहुत अच्छे से लग रहे हैं, जो पहले आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि भाई डिफरेंस क्या रहा मारुति से डलवाने में और बाहर से डलवाने में। तो मारुति का मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ब्रेक शू डालने के उन्होंने 2200 रुपये मांगे थे मुझसे सर्विस के टाइम पे, तो वो मैंने मना कर दिया था कि भाई मुझे नहीं डलवाने, मैं बाहर से डलवा लूंगा। तो बाहर से मैंने जो पता किया ना, मारुति के जो जेन्युइन पार्ट्स का जो शॉप होती है वहां से, मतलब MGP जो बोलते हैं उसको, तो MGP से मैंने पता किया, वहां पे बता रहे थे 1900 कुछ रुपए के जो ब्रेक शू थे जेन्युइन वाले। और उसके बाद मैंने दूसरी दुकान से जो पता किया, जैसे जो नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, वहां पे भी मुझे 2 क्वालिटी बताई गई, और एक था 1500 कुछ रुपए का, 1500 या 1550 रुपए का जेन्युइन जो होता है, और जो मैंने अभी डलवाया ना ये मिले हैं मुझे 900 रुपए के। तो 1500 और 900 में डिफरेंस वो इसलिए है क्योंकि ये जो मैंने डलवाया ना ये है इम्पोर्टेड वाले, होते मारुति के ही है, जेन्युइन होते हैं, सब कुछ ओके होता है, बट इनका इम्पोर्टेड का और एक जो नॉर्मल वाले हुए हैं 1500 के, उनमें कुछ होता होगा डिफरेंस। तो 900 रुपये मैंने इसके ब्रेक शू के दिए, मतलब डिस्क पैड के दिए, और मात्र 100 रुपये डालने वाले मैकेनिक ने लिए मुझसे, तो 1000 रुपये में काम हो गया। तो भाई कहाँ 1000 रुपये और कहाँ 2200 रुपये, भाई डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो और डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, पार्ट्स भी वही होते हैं और डालने का तरीका भी वही होता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आपने देख ही लिया नॉर्मल तरीका होता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जो पार्ट आपको लगे कि भाई मारुति में महंगा पड़ रहा है और वो अगर आप बाहर से डलवा सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि बाहर से ही डलवाओ। बाकी और जो मेजर चीज़ें होती हैं या मेजर सर्विस होती है वो आप मारुति से ही करवाएं, बाकी छोटे मोटे पार्ट्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, पार्ट्स वही जेन्युइन मिल जाते हैं, डालने का तरीका भी वही होता है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने भाई को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।